amazing. ये नजारा अद्भुत नजारा है. ये केवल जो गुरुजी पूरी दुनिया भर के अंदर आध्यात्म संस्कृति और प्यार और मोहब्बत का संदेश दुनिया के कोने कोने में ले जा रहे हैं, उसी की वजह से आज दुनिया भर से इतने लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं. आज एक तरफ दुनिया भर में जहाँ नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है, पर मैं मानता हूँ कि नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता, नफरत को केवल प्रेम और मोहब्बत से जीता जा सकता है. और वही संदेश आज गुरुजी अपने आध्यात्म और प्यार और मोहब्बत के संदेश से दुनिया के कोने कोने में ले जा रहे हैं. इसके लिए जो आज यहाँ पे इतना बड़ा वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल हुआ, मैं गुरुजी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज मुझे यहाँ पर उन्होंने आमंत्रित किया और इस इतने अद्भुत नज़ारे को देखने का मुझे मौका मिला. गुरुजी, मैं बहुत स्वार्थी हूँ, आपसे दो चीज़ें आज मांगना चाहता हूँ. पहली चीज़, आपके जो आर्ट ऑफ लिविंग के वॉलंटियर्स हैं, बड़े ही अद्भुत वॉलंटियर्स हैं, बहुत ही डिसिप्लिन्ड, बहुत ही सुशील, सभ्य, और पता नहीं आपने इनको क्या जादू किया है, हमेशा मुस्कराते रहते हैं. दे आर ऑलवेज स्माइलिंग. मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि दिल्ली सरकार के ढेरों कार्यक्रम होते हैं जिसमें हमें वॉलंटियर्स की ज़रूरत होती है, तो दिल्ली सरकार के सारे कार्यक्रमों के लिए आप हमें आर्ट ऑफ लिविंग के वॉलंटियर्स देने की कृपा करें. मुझे पूरी उम्मीद है आप मुझे निराश नहीं करेंगे. और दूसरा, आज हम यमुना तट के किनारे बैठे हैं. यमुना को साफ करने का बीड़ा हम सब लोगों ने उठाया है, लेकिन उसमें अगर गुरुजी थोड़ा सा इनिशिएटिव लें, यमुना को साफ करने के लिए कई सारी सरकारों को साथ आने की ज़रूरत है. दिल्ली सरकार को, केंद्र सरकार को और केंद्र सरकार के कई मंत्रालयों को साथ आने की ज़रूरत है अगर हम वाकई यमुना को साफ करना चाहते हैं. आज गुरुजी के बाईं तरफ केंद्र सरकार बैठी है और दाईं तरफ दिल्ली सरकार बैठी है. अगर गुरुजी इनिशिएटिव लें तो हम सब लोग मिलके दिल्ली सरकार की तरफ से मैं कहना चाहता हूं कि यमुना को साफ करने के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि केंद्र सरकार भी यमुना को साफ करने के लिए प्रतिबद्ध है. अगर गुरुजी इनिशिएटिव लें और आज हम यहां से कसम खा के निकलें कि हम सब लोगों को मिलके, सारी सरकारों को मिलके गुरुजी के नेतृत्व में यमुना को साफ करना है, तो मुझे लगता है कि हम ये अचीव कर सकते हैं. मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आज ऐसे ऐतिहासिक मौके को मुझे देखने का मौका मिला. मैं फिर से गुरुजी का बहुत बहुत आभारी हूँ. जय गुरुदेव.